वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ले आप लोगों को बताने के लिए। काफी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पे आते हैं कि टीवी का इन्फेक्शन किसी के शरीर में हो गया है, इसको कैसे पता करें, कैसे कंफर्म करें कि मेरे शरीर में टीवी का इन्फेक्शन हो गया है। अब ये बहुत ही बड़ी समस्या है और इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है कि क्या बिना इन्फेक्शन के जांच में कंफर्म करे बिना ही इलाज चालू कर सकते हैं। जैसे काफी सारे लोग रहेंगे जिनको सस्पेक्टेड टीवी लग रहा है, वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, थकान लग रही है, रात में पसीना आ रहा है, बुखार आ रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है या चेस्ट टाइटनेस हो रही है, शरीर के दूसरे हिस्सों में भी टीवी हो सकती है, तो वहाँ अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो लग तो रहा है टीवी हो सकता है लेकिन जांच में आ नहीं रहा है, तो क्या हम इसका इलाज चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले टीवी की डायग्नोसिस की बात करें तो ये बहुत कठिन है। जितनी तरह की बीमारियां होती हैं उनमें टीवी इंडिया में बहुत कॉमन है, लेकिन डायग्नोज करना इसलिए बहुत कठिन है कि कोई भी एक ऐसा सिंगल टेस्ट नहीं बना है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों की जितनी तरह प्रकार की टीवी होती है उन सबको डिटेक्ट कर पाए। ब्लड में कोई भी टेस्ट नहीं होता सिंगल टेस्ट जिससे किया जाए और सारी बीमारी का पता चल जाए कि कहाँ पे टीवी है, और टीवी है भी तो कन्फर्म है, इसलिए बड़ा मुश्किल रहता है। जैसे टीवी की बात करें तो इसको दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो फेफड़े की टीवी है जो कि काफी कॉमन है, और फेफड़े के बाहर की टीवी जिसको हम लोग एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी बोलते हैं। तो जो फेफड़े की टीवी है अगर उसकी बात करें तो फेफड़े की टीवी में खांसी के साथ में बलगम आता है, स्पुटम आता है, तो उसकी जांच किया जा सकता है। तो उसमें बैक्टीरिया दिख जाएगा, डायरेक्ट बैक्टीरिया दिख गया एफबी स्टेन से या एफबी कल्चर कर लिया, टीवी का कल्चर कर लिया, तो वो काफी अच्छा तरीका है जांच करने का। तो फेफड़े की टीवी का जांच फिर भी थोड़ा सा आसान है। और फेफड़े की टीवी पता करने के लिए दो और जांचें हैं, एक तो फेफड़े का एक्सरे कर लिया जाए या तो सीटी स्कैन कर लिया जाए। तो अगर किसी के लंग्स में टीवी है, फेफड़े में टीवी है, तो उसको जांच करना फिर भी आसान पड़ता है। हालांकि 100% केस में उसमें भी नहीं पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि फेफड़े में किसी ऐसे हिस्से में टीवी है जहां से स्पुटम का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, बलगम आ ही नहीं रहा है, तो फिर बैक्टीरिया नहीं दिखेगा। ऐसे केसेस को फिर हम लोग स्पुटम निगेटिव टीवी करके बोलते हैं। लेकिन सपोज करो कि अगर किसी को टीवी फेफड़े में नहीं है बल्कि हड्डी के अंदर हो गई है, ज्वाइंट्स में है, या ब्रेन के अंदर टीवी हो गई है, स्पाइनल कार्ड में टीवी हो गई है, पेट के अंदर टीवी हो गई है, फिर कैसे किया है? उस केसेस में बहुत मुश्किल हो जाता है टीवी को डायग्नोज करना। अलग अलग तरह की हमारे पास ऑप्शन तो है डायग्नोज करने के लिए कुछ, लेकिन हर जगह पॉसिबल नहीं है कि जैसे किसी को स्पाइन की टीवी है, रीढ़ की हड्डी में टीवी है, कैसे पता करें? जो स्टेनिंग वाली मेथड है या कल्चर वाली मेथड, इसके लिए सैंपल चाहिए होता है। तो स्पाइन से तो हम कोई सैंपल ले नहीं सकते हैं, ऐसे ही आंत के अंदर टीवी है तो वहां से कहां से सैंपल निकाले, तो इसलिए कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी है, जैसे हड्डी की टीवी है, तो उसमें एमआरआई कर लिया या सीटी स्कैन कर लिया, पेट के अंदर सोनोग्राफी वगैरह कर लिया, ब्लड में भी कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि ESR देख लिया या एक इग्रा टेस्ट होता है, इंटरफेरन गामा देख लिया, एक टीबी का सेंसिटिविटी टेस्ट होता है जिसमें इंजेक्शन लगा दिया जाता है स्किन के अंदर, जिसको ट्यूबरकुलिन सेंसिटिविटी टेस्ट बोला जाता है। तो इन सब टेस्ट की बड़ी लिमिटेशन रहती है, तो कई बार एविडेंस तो मिलता है लेकिन कन्फर्म नहीं बोल सकते कि टीबी है कि नहीं। और दो और जांचें हैं जो टीबी को काफी हद तक बता पाती है। एक तो FNAC की जांच है कि सुई डाला और जहां पे दिक्कत दिख रही वहां से कोई थोड़ा सा सेल्स ले लिए और उसको FNAC में देख लिया, और दूसरी जांच है बायोप्सी, मतलब कि शरीर के उस हिस्से से टुकड़ा ले लेना। लेकिन FNAC और बायोप्सी तो तब पॉसिबल होगी जब आपको पता हो कि यहाँ इस स्थान पर टीबी है। अब समस्या ज्यादातर केसेस में होती है कि अपने को कोई ऐसा मतलब लक्षण तो आता है लेकिन कहाँ पे टीबी है ये पता नहीं चलता, तो ऐसे केसेस में फिर बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे केसेस में जो सबसे अच्छा अप्रोच ये रहता है कि थोड़े दिन टीबी का ट्रीटमेंट चलाया जाए, 1-2 महीने, उसके बाद पेशेंट को अपने आप इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है। तो काफी सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको ये करना पड़ता है, मतलब बिना जांच वाली एविडेंस के ही ट्रीटमेंट चालू करना पड़ता है, क्योंकि टीबी बहुत खतरनाक बीमारी, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, ये जानलेवा है। अगर आपने टीबी का इलाज नहीं कराया तो लगभग जान जाना इसमें श्योर है। और टीबी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इंडिया में बहुत होती है, दूसरी समस्या है कि शरीर के सारे हिस्सों में होती है, ब्रेन में होती है, आंख में होती है, कान में होती है, गले में होती है, स्किन में होती है, फेफड़ों में होती है, लीवर, लंग्स, किडनी, जितने भी ऑर्गन आप बोलो सब में होती है, ज्वाइंट्स में होती है ना, मांसपेशियों में होती है। तो इंडिया में बहुत कॉमन है, शरीर के सारे हिस्सों में कॉमन है, इसकी जांच करना आसान नहीं है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात की है, ज्यादातर जगह कैंसर जैसा दिखती है, जो हमारे पास एविडेंस आते हैं जांच में, सिटी स्कैन, MRI, सोनोग्राफी या कई बार बायोप्सी में भी जिस तरीके से दिखती है, कई बार ऐसा लगता है कि कैंसर हो गया है, और इसके लक्षण भी कैंसर जैसे रहते हैं। जैसे कैंसर का मेन लक्षण होता है कि शरीर कमजोर होना, भूख नहीं लगना,
बुखार का आना, यही सारे लक्षण टीबी के भी होते हैं। इसलिए इसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल रहता है, और अगर डायग्नोसिस ना हो तब भी ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। इंडिया में ज्यादातर बार इस तरह के जो केस रहते हैं, डाउटफुल केस रहते हैं, वो टीबी के इलाज से ठीक हो जाते हैं। तो आप कैसे जांच से कंफर्म करो, अब आप समझ गए होंगे कि टीबी का 100% केस में जांच हम कर पाएंगे ये नहीं पॉसिबल है। फेफड़े की टीबी को तो फिर भी देख सकते हैं, लेकिन बाकी शरीर के हिस्सों को टीबी को देखना बहुत मुश्किल रहता है। काफी अलग अलग तरह की जांचें हैं, किसी में कुछ एविडेंस आया किसी में नहीं आया, तो कई बार बिना जांच में कंफर्म हुए ही इसका इलाज चालू कर देना चाहिए। और दूसरा जो क्वेश्चन ये रहता है कि मुझे तो जांच में आ नहीं रहा है फिर भी हमारे डॉक्टर ने टीबी का इलाज चालू कर दिया, तो ठीक किया उन्होंने, अपने समझ के हिसाब से करना चाहिए। सिम्टम्स दिख रहा है तो इलाज ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत कॉमन है और जानलेवा बीमारी, और अपने पास और दूसरा कोई ऑप्शन रहता नहीं है। टीबी के इलाज में चूंकि एंटीबायोटिक कई तरह के चलते हैं, तो कई बार दूसरे तरह के भी छोटे मोटे इन्फेक्शन तो इस पूरे जो एंटीबायोटिक का कॉकटेल होता है टीबी के लिए चलता है, उससे वो सारी इन्फेक्शन वाली बीमारियां तो ठीक हो जाती है। तो ये बताने का मकसद था, काफी सारे लोग परेशान रहते हैं कि टीबी मेरी पता नहीं चल रही है, लक्षण आ रहा है, दवाई लें कितने दिन लें, सबके दिमाग में डाउट रहता है। तो जरा भी सस्पेक्टेड हो तो टीबी का इलाज चालू कर दे, उसके इलाज से कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं आता, छोटे मोटे साइड इफेक्ट होते हैं जो कि ठीक किया जा सकता है, लेकिन टीबी बहुत ही गंभीर बीमारी है, खुद भी जानलेवा और घर के दूसरे सदस्यों को भी फैल जाएगी, तो फिर उनके लिए भी घातक। तो अब अगर आपके मन में इस तरह की कोई बात रही होगी टीबी के जांच से संबंधित, तो वो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।